मारुति की पहली 20 लाख रुपए से ऊपर की कार और पहली एसयूवी जो कि 2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक ऑफ मारुति की इनविक्टो। बात करें अगर इसके फ्रंट की तो मेरे को पर्सनली बहुत स्टाइलिश लगा है। आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्रंट इसका कैसा लगता है। गाड़ी का फ्रंट फेशिया बहुत ही स्टाइलिश है। आपको मिल जाती है लार्ज ग्रिल विद क्रोम का खूब सारा एलिमेंट। सेंटर में आपको क्रोम की बीडिंग मिलती है विद सुजुकी का लोगो। ड्यूल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साथ ही मिल जाते हैं LED डे टाइम रनिंग लैम्प और इसके साथ साथ इंडिकेटर कम फॉग लैम्प भी मिलते हैं LED के अंदर। अब इसको चाहे आप मारुति की इनोवा कहें या फिर नेक्सा की इनविक्टो, बात बिल्कुल सेम है। साइड प्रोफाइल में इसके डायमेंशंस एब्सोल्युटली सेम है जो हाई क्रॉस में आते हैं। साइड प्रोफाइल की जो हाईलाइट है वो टर्न इंडिकेटर है ORVMs विद क्रोम का एलिमेंट। साइड प्रोफाइल का हाईलाइट है 17 इंचेस के प्रिसीजन कट अलॉय व्हील जिसका साइज है 215/16। साथ ही आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद क्रोम का एलिमेंट और इसके साथ साथ सामने स्क्रीन पे आपको कंप्लीट इसकी डायमेंशन की डिटेल नज़र आ रही होगी। यू कैन गो थ्रू विद इट वेरी क्विकली। आइए अब चलते हैं इसके मोस्ट प्रीमियम सेक्शन के पास जो कि है इसका सेकंड रो। सेकंड रो के अंदर देखते ही आपको स्पेस ही स्पेस नज़र आता है। दरवाजे के अंदर देर आर प्लेंटी ऑफ फीचर्स लाइक 1 लीटर का बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर और यहाँ पर आपको मिल जाती है सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप, पावर विंडो का स्विच, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल एंड हियर इट इज़ अ स्मॉल हाईलाइट। This is manual retractable sunshade which you get it on both the doors middle row passengers के लिए। Second row में ये पहली मारुति की ऐसी गाड़ी है जो dual zone AC के साथ आती है। सामने है उसका display, so front के passengers के लिए अपना different temperature and second row के passengers के लिए अपना different temperature। Luggage hooks मिल जाते हैं और यहाँ पर मिल जाती है आपको अगेन एक premiumness का element add करा है which is ये एक strip मिल जाती है ambient light की और 2 AC vents मिलते हैं आपको अपने personal जो कि सेकंड रो के लिए आइडली 1 AC वेंट है और थर्ड रो के लिए 2 AC वेंट है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल्स। रो में आपको मिल जाता है सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसकी थर्ड रो में मारुति ने क्या कम्फर्ट ऐड कराया है अपने थर्ड रो के पैसेंजर के लिए जो सबसे इग्नोर्ड सेक्शन होता है। सो जो मैकेनिज्म है इट इज़ वेरी ट्रस्टेड मैकेनिज्म जो कम टंबल टाइप नहीं है। आपको इसको सिंपल स्लाइटली फोल्ड करना है और ये आपका चैनल टाइप है। सो इसके थर्ड रो की सिटिंग पोजीशन है, मेरे हिसाब से ये बहुत कंफर्टेबल है। आपको देखना है एज पर द हाइट लाइक इट विल बी आई मस्ट से वेरी डिसेंट स्पेस इनसाइड। और यहाँ पे भी काफ़ी कंफर्ट के फीचर आपको दिए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्ड रो का AC वेंट यहाँ पे है एंड थर्ड रो के पैसेंजर के लिए उसका ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन रखने का एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये मोबाइल फ़ोन का डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है और ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिससे कि आप यहीं पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल और ये भी काफ़ी एडुकेट स्पेस है जो इसके सी और डी पिलर के अंदर जो ये आपकी क्वार्टर पैनल है, जो क्वार्टर विंडो है, ये भी काफ़ी इसके अंदर आपको काफ़ी डिसेंट व्यू देखने को मिलता है। और अगर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको थर्ड रो के थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पर एक आपको रूफ माउंटेड सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैं इस टाइम बैठा हूँ एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर और अगर मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ तो मैं इतना कंफर्ट कम से कम ले सकता हूँ। सेम इसी सीट को भी मैं इतना इंक्लाइन कर सकता हूँ तो एंड सेम बिल्कुल इनोवा और हाई क्रॉस की लुक पीछे से देखने के लिए, हालांकि स्लाइटली चेंजेस हैं। 3-point rear LED टेल लैम्प्स आपको मिल जाते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली एक्सक्लूसिव लुक ऑफ द रियर व्यू ऑफ दिस इनविक्टो। और यहाँ पर मिल जाती है आपको एक हाइब्रिड की बैजिंग और ये मिल जाता है इनविक्टो का लोगो, सेंटर में सुजुकी का लोगो, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ऑन स्पॉइलर, रियर वॉशर एंड वाइपर और आपको मिल जाती है सिल्वर स्किड प्लेट। और 8-seater कार में सिर्फ 2 ही चैलेंज होते हैं, एक तो थर्ड रो के पैसेंजर का सिटिंग ऑप्शन उसका कंफर्ट कितना है और दूसरा बूट स्पेस कितना मिलेगा। सो इसका देख लेते हैं बूट स्पेस कितना पे आपको मिल जाता है। रियर कैमरा और इससे हायर वेरियंट यानी अल्फा में आपको 360° व्यू कैमरा मिल जाता है। गाड़ी के हायर वेरियंट यानी कि अल्फा वेरियंट में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट का ऑप्शन जिसको कि आप कार की रिमोट की से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर रिमोटली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेबल। और इस वक्त तीनों सिटिंग रो जो है बिल्कुल ओपन है और उसके बाद देख लेते हैं कितना स्पेस आपको मिल जाता है। एंड हियर इट इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ दिस इंटायर बूट स्पेस।
आई मस्ट से डिसेंट स्पेस है, दो तीन लगेज के आपके बैग्स इसके अंदर आ सकते हैं, 200 प्लस लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि बहुत ही डिसेंट है इस सेगमेंट की कार्स में। और देखिए पूरी रिक्लाइन करने के बाद भी आपको यहाँ पे आप इजीली दो से तीन बैग अपने यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको मिल जाता है एक एडुकेट लगेज रखने का अगेन स्पेस, जिसमें आप अपने वैल्यूबल आइटम रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे चेसी के नीचे माउंटेड है, जिसको आपको ओपन करना पड़ता है यहाँ से। अगर आप ये देखेंगे, ये आप इसका प्लास्टिक का फ्लैप हटाएंगे और यहाँ से आप इसको रोल करके ओपन कर सकते हैं। तो अगर मैं कम्प्लीटली फोल्ड कर लेता हूँ तो आई मस्ट से 5 पैसेंजर के बाद आपको 700 प्लस लीटर का एक इमेंस स्पेस मिल जाता है बूट में, जो कि वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने एक छोटी सी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कराया है यहाँ पे, जो इसका सेंटर का जो हेडरेस्ट है थर्ड रो के पैसेंजर्स का, यू कैन टेक दिस आउट, और काफ़ी एक डेडिकेटेड स्लॉट यहाँ पे बनाया हुआ है, इस हेडरेस्ट को यहाँ पे आप प्लेस करके रह सकते हैं। छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलिए अब उस सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पे कि हमें सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। एक स्टडी के अनुसार 60% लोग अपनी थ्रू आउट जर्नी, अपनी एक गाड़ी की जर्नी में अकेले ही ट्रैवल करते हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर सीट की। और गाड़ी में एंटर करते सबसे पहला फीचर आपको नजर आता है 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, जो कि आती है ड्राइवर वेलकम फंक्शन के साथ, और साथ ही साथ मिल जाते हैं आपको 2 मेमोरी सीट का ऑप्शन। ड्राइवर सीटिंग पोजीशन देखते ही आपको एक प्रीमियम फील देता है। ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है विद ऑल लेदर फिनिश ऑन द बिलो पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड, ऊपर आपको ब्लैक कलर का प्लास्टिक मिलता है। सामने आपको मिल जाता है अब तक की सबसे बड़ी स्क्रीन साइज टोयोटा और मारुति के अंदर, विच इज़ 10.25 का स्क्रीन साइज मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है। आपको मिल जाता है 360 डिग्री व्यू कैमरा के लिए, कैमरा की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे मोड एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो एसी, और ये मिल जाता है आपको डैशबोर्ड स्लाइटली बिलो माउंटेड इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अगेन स्लाइटली हाईलाइट ऑफ द कार विच इज पार्किंग विद ऑटो होल्ड फंक्शन, सो देर इज नो मोर एफर्ट फॉर रेजिंग दैट पर्टिकुलर लीवर। और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे आपको मिल जाता है ड्राइव मोड, ईवी मोड, ESP ऑफ का मोड, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो आपको फास्ट चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं USB टाइप एंड C टाइप। सेंटर में आपको मिल जाता है कप होल्डर्स, इस स्पेस को जो कि गियर लीवर का स्पेस था उसको यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली यूज़ करा है। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये लेफ्ट ओपनेबल, ये आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, काफ़ी स्टोरेज स्पेस है, मेरा करीबन आधा हाथ इसके अंदर जा चुका है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का डॉक, और उसके साथ आपको मिल जाता है ये 12 वोल्ट का सॉकेट, और इसी के नीचे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी एडुकेटिव स्पेस है। और इंटरेस्टिंगली ये जो आपका पुश स्टार्ट बटन है वो राइट हैंड साइड की जगह ना होकर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, अगेन इंटरेस्टिंग फीचर। लेदर अप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विद मल्टी कंट्रोल, जिसके अंदर फ़ोन के कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, जो पूरा आप सिस्टम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सारा क्रूज कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पैडल शिफ्टर्स, अगर ये देखेंगे प्लस माइनस के हैं पैडल शिफ्टर, फॉर अगेन अ वेरी एडवेंचर राइड के लिए। और ये आपको मिल जाता है फर्स्ट लुक ऑफ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मल्टी कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। और यहाँ पे आपको सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये चार्जिंग इन्फो, बैटरी की चार्जिंग इन्फो, इको मोड पर अगर आप बड़ी चला रहे हैं, पावर मोड पर आप चला रहे हैं, यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक का इंडिकेशन, और ये आपको पूरा स्पीडोमीटर, और ये आपका सारा फ्यूल लेवल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसकी टेम्परेचर सेटिंग, और ये अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। एंड सिंस इट इज़ अ जेटा वेरिएंट, सो पैनारोमिक सनरूफ आप यहाँ पे मिस करते हैं, विच इज़ अगेन यू गेट इट इन अ हायर वेरिएंट्स। जैसा कि मैं बता रहा था, मारुति की पहली 2 लीटर इंजन में आने वाली SUV है। सो अगर मैं बात करूँ इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो अभी सारी स्पेसिफिकेशन और डायमेंशंस ऑल्सो आपको सारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। गाड़ी के इंजन आता है 2 लीटर ऑप्शन के साथ, जो कि है पेट्रोल और हाइब्रिड का ऑप्शन। 188 Nm का टॉर्क मिल जाता है 4400 से लेकर 5200 RPM के अंदर, और मैक्सिमम पावर की बात करें तो 112 kW 6000 RPM के। गाड़ी की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, निकल मेटल हाइड्राइड की बैटरी मिलती है, 201 W की पावर है, साथ ही साथ 83.73 kW की मैक्सिमम पावर और 206 Nm का टॉर्क मिलता है। टोटल सिस्टम की पावर मिलती है 137 kW। गाड़ी का प्राइस शुरू होता है 24.79 लाख से 28.42 लाख। गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइव मोड मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक मोड, जिसके अंदर गाड़ी कम्प्लीटली बैटरी पे चलती है। दूसरा मिलता है हाइब्रिड ड्राइव मोड, जिसके अंदर इंजन और बैटरी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद मिलता है आपको इंजन ड्राइव मोड, जिसमें गाड़ी कम्प्लीटली इंजन पे चलती है, और साथ ही साथ आपकी बैटरी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर चार्ज होती रहती है।